विवेक जी जो राज्य परियोजना कार्यालय की एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और कोलमी में जो शिक्षक संकुल बैठक के मेंटर हैं हमारे आदरणीय और अनुपम सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपके साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और हमारे जो 5 शिक्षक संकुल साथी हैं वीरेंद्र जी, सीमा जी, मौर्य जी और शिवम जी, सुशील जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत ही आदर्श बैठक यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसा कि विवेक सर ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है और हम लोग भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो वह यही यही बात आती है कि मीटिंग में एआरपी साहब आ गए तो 2-3 हेडमास्टर खड़े हो जाते हैं, आइए साहब आइए, एआरपी साहब का हाल चाल है सर, बड़ी मुश्किल हो रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब अनावश्यक बातें होती हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आपने एजेंडा पहले से तैयार किया है, सबको सूचना दिया हुआ है, सबने अपने अपने टॉपिक बांट लिए हैं कि हमें क्या प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, आपने प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। पहली बार किसी संकुल बैठक में मुझे प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है, हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं चल रहा है। तो आपको बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधानाध्यापक साथी, सभी सम्मानित शिक्षक, सभी सम्मानित शिक्षा मित्र, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में साथियों, बदलाव हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है, आप भी महसूस कर रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, चीजें बदल रही हैं और उसका केवल और केवल श्रेय जाता है तो आपको जाता है। उसमें न एआरपी कहीं से जिम्मेदार है, न बीओ कहीं से जिम्मेदार है, न डीजी सर कहीं से जिम्मेदार है, जिम्मेदार उसके आप हैं। आप इतने लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जिसका ये परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि 42% सुधार हो गया है हमारे स्कूल के कक्षा कक्ष की संस्कृति में। पहले आपको याद होगा हम लोग पाठ देख के किताबें पढ़ाते थे बच्चों को, पाठ 3 खोलो, फिर वो पढ़ा दिया हमने। अब हम दक्षता आधारित शिक्षण कार्य कर रहे हैं और हम दक्षता आधारित करने का एक फायदा है कि उसकी हम क्वालिटी भी नाप सकते हैं और क्वांटिटी भी नाप सकते हैं, कितने बच्चे स्किल्ड हो गए और कितने अच्छे तरह से स्किल्ड हो गए। पाठ में ये नहीं हो पाता था, पाठ में हम सिर्फ प्रश्न उत्तर याद करा लेते थे और एग्जाम में बच्चा लिख देता था, उसको हम 80 नंबर 100 नंबर तक दे देते थे। तो चीज़ें बदल रही हैं, हमें ज़्यादा नहीं बात करना है, हमें शिवम जी ने मौका दिया है बिग बुक पे बात करने का, तो बिग बुक पे बात करने से पहले जैसे छुट्टी का समय जो होता है तो आदमी का दिमाग घर की तरफ लग जाता है, तो लगभग 2 बजने ही वाले होंगे जी सर, तो शिक्षकों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काल होता है। अब 2 बजने वाला है, इसके बाद अगर बैठक चलेगी टाइम खराब होगा, ऐसा लगता है कि अपने में से जा रहा है, लेकिन खबरहा के शिक्षक ऐसे भरोसा है कि आप 5 बजे तक भी रुक सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कविता गा लेते हैं, उसके बाद हम भी ग्रुप पे बात करते हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए। आंधी आई जोर शोर से डाले टूटी हैं झकोर से पूरा घोंसला अंडे फूटे पूरा घोंसला अंडे फूटे किससे दुख की बात कहेगी किससे दुख की बात कहेगी अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी हमने खोला अलमारी को हमने खोला अलमारी को बुला रहे हैं बेचारी को बुला रहे हैं बेचारी को पर वो चींच
चीकराती है, पर वो चीची कराती है। घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में तो वो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, घर में पेड़ कहाँ से लाए। कैसे ये घोंसला बनाए, कैसे ये घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, कैसे फूटे अंडे जोड़े। किससे यह सब बात कहेगी, किससे यह सब बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब क्या बात है, वाह कहाँ रहेगी। बहुत बड़ी क्या बात है सर, क्या तरीका है लाने का। वाह, एक नई सामग्री है, आपको सहायक सामग्री है, इसके उपयोग के बारे में हम लोग को बात करना है। बिग बुक शायद हम लोग पहली बार अपने हाथ में देख रहे हैं, इससे पहले देखने को मौका नहीं मिला था। जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, खास करके शुरुआती कक्षाओं में 1, 2, 3 में, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रिंट से ही परिचित नहीं होते हैं कि आखिर में प्रिंट क्या होता है। और उसका कारण यह है कि हमारे खास करके जो बच्चे हैं जिस परिवेश से आ रहे हैं, उनके घर में प्रिंट ना के बराबर होता है। उनके यहाँ कहानी की किताबें नहीं आती, उनके यहाँ पेपर नहीं आता, अखबार नहीं आता, और भी कुछ नहीं होता है, तो प्रिंट से वो बेचारे एकदम परिचित नहीं होते। शुरुआत में तो यही भरोसा दिलाना भारी होता है कि जो चीज़ें हम बोलते हैं उसको हम लिख भी सकते हैं, और या फिर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम बोल भी सकते हैं। अगर ये भरोसा हमने दिला दिया, वहीं से भाषा सीखने की शुरुआत होती है बच्चे की। तो ये बिग बुक का जो उपयोग होता है, इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। पहला प्रयोग तो इसका लोगोग्राफिक पठन में करते हैं, यानी इस चिड़िया शब्द को रोचक कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, बार बार चिड़िया की अगर हम कहानी कह रहे हैं तो ये चिड़िया ऐसा उसके दिमाग में छप जाएगा। उसने च नहीं सीखा है, ई की मात्रा नहीं सीखी है, या नहीं सीखा है, लेकिन ये चिड़िया उसके दिमाग में छप जाएगी, तो आगे उसको पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। जहाँ भी चिड़िया दिखेगी बड़ी आसानी से वो पढ़ लेगा बच्चा। तो पहला इसका महत्वपूर्ण उपयोग है लोगोग्राफी पठन। और दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग है इसका साझा पठन। शिक्षण भाषा शिक्षण की एक रणनीति होती है साझा पठन। साझा पठन में क्या होता है कि शिक्षक और बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन किताब एक ही रहती है, अलग अलग किताब से साझा पठन नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से इसका काम ही है साझा पठन, साझा पठन करना, साथ साथ पठन करना। पहला हमने बताया प्रिंट से बच्चे, बच्चे को हम इसको दिखाएंगे, इस पर चित्र बने होंगे, शीर्षक के बारे में हम बात करेंगे कि कोई कहानी होती है तो उसका कोई शीर्षक भी होता है। फिर हम अनुमान लगवाने का काम करते हैं कि आखिर में इस चित्र में क्या क्या है, क्या क्या हो रहा होगा इसके बारे में, ये अनुमान बच्चे लगा रहे होते हैं। और इसके बाद हम पन्ना पलटते हैं, एक साथ हमें पढ़ना है बच्चों के साथ, तो हमें इसको इस तरह से रखना होगा ऐसे। और हमने चित्र पकड़ने की बात कर लिया, नहीं खुद ही पकड़ रहा होगा, पकड़े हैं तो ये आदत डालनी होगी, ये नई चीज है, हमें भी असुविधा होगी और ये सीखना होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं अंगुली फिरा फिरा के, बच्चों के साथ पढ़ते हैं। एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। बच्चों देख रहे हो जी में क्या दिखाई दे रहा है, चिड़िया
चिड़िया कहाँ गई है? तालाब के किनारे। हाँ, तालाब के किनारे चिड़िया क्यों गई होगी? पानी पानी पीने। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। पानी पीते समय वह तालाब में गिर गई। देख रहे बच्चों, चिड़िया गिर गई है ना तालाब में। हाँ, डूबने वाली है ये, डूबने वाली है। अच्छा, आप भी कभी तालाब में गिरे हो क्या? हर बच्चा अपना अनुभव सुना रहा होगा। जी सर। साहब हम तो छटक गए हैं बच गए। साहब हम तारा में बारह गिरा रहे। उसका सुनिए, उसका ये क्या हो रहा है? मौखिक भाषा विकास शुरू हो गया। हमें एक वो मिल गया, सामग्री मिल गई। फिर इस तरह से हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे और आप देखेंगे बड़ी रोचक कहानी लिखी जाएगी। बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ते क्या? थैंक यू सर। पूरा पढ़ते कहानी सुन लीजिए खाली। तो तालाब में गिर गई, तभी वहां एक बिल्ली आई। देख रहे? यस। बिल्ली आ गई। जी सर, आ गई ना। जी जी। चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी, बचाओ बचाओ। बिल्ली ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें खाऊंगी, लेकिन मदद तो मैं करूंगी, लेकिन फ्री वाली नहीं। अब उसके बाद भाई खाएंगे आप। अब भी वो बेचारी चिड़िया मरती क्या न करती, उसने कहा हाँ खा लेना। हाँ, एक बार तो जान बचे, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने चिड़िया को तालाब से बाहर निकाला। बिल्ली बोली, अब खा लूं? बच्चों क्या हुआ होगा? आगे खा गया, खा गया होगा, खा गई होगी बिल्ली, खा गई। आगे क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई होगी, भाग गई होगी। रुकिए, कल्पना। प्राण जाए पर वचन न जाए। भाषा भाषा काका नहीं सीखे हैं आप? सही बात है। लेकिन चिंतन का काम हो रहा है, हो रहा है, तर्क का काम हो रहा है, अनुमान लगाने का काम हो रहा है। तो ये भाषा का अंग है, कौशल है, इसका विकास हम लोग कर रहे हैं। उनको बोल दो 5 मिनट का। चिड़िया ने फिर देखी, चिड़िया कितनी चालाक थी। चिड़िया ने कहा, पहले मुझे सूख जाने दो, फिर खा लेना। मतलब गीला गीला मत खाओ, थोड़ा ड्राई हो जाने दो, तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, रसेदार नहीं खाना है। हाँ क्या हो, बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। अगला परवाही तो उसी की है। क्या कर सकते हैं? चिड़िया सूख कर फुरसे कहानी। अब एक दो जो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ आपको नहीं लगता कि कुछ फायदा होने वाला है? बहुत हम लोगों को आनंद आ रहा है। अभी खाने पूरी नहीं जानकारी, गृहस्थी बहुत चरम पे हो जाती है। अब होता क्या है कि हम हमारा जो चार्ट आया, हमारे जो पोस्टर आए, हमारे जो कविता कहानी के चार्ट आए, हमने क्या किया कि एक ही दिन में सब पढ़ पढ़ा डाला। एक हफ्ते जाते जाते सब पुराना हो गया। तो इसका व्यवस्थित शिक्षण होना चाहिए। ये आपका जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, उसमें इसको सिखाने का तरीका भी दिया हुआ है। आप वहां से पढ़ लीजिएगा, और कब इसका उपयोग करना है वो आपकी शिक्षण योजना में लिखा रहेगा। ऐसे नहीं कि आपने उठाया और कहानी शुरू कर दिया। तो उसमें इसको ये सहायक सामग्री है, उस टीचिंग प्लान में शामिल की गई है। तो इसका उपयोग करके आप लोग करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद आपको।